नमस्कार दोस्तों, पूरे देश में जन्माष्टमी का महापर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसी दिन के साथ शुरू हो जाती है पूरे देश में त्योहारों की श्रृंखला। तो आज जेवर के तमाम मंदिरों पर चलेंगे। शुरुआत की है श्री देवी मंदिर से। यहाँ देख सकते हैं आप, सबसे बड़ा कार्यक्रम जेवर का आज मुझे देखने को मिल रहा है देवी मंदिर पर। यहाँ के बाद चलेंगे और बाकी मंदिरों पर, वहाँ देखेंगे कैसे कार्यक्रम है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सभी श्रद्धालुगण यहाँ पर खड़े हुए हैं जोश के साथ, जो सभी लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने व्यवस्था बनाई है यहाँ पर। कार्यक्रम कैसा चल रहा है? बहुत ही सुंदर चल रहा है कार्यक्रम, और रात के 12 बजे तक बहुत जोर धूमधाम से बनेगा प्रोग्राम जितना चलेगा। ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है जन्माष्टमी प्रोग्राम किया जा रहा है, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज श्री कृष्ण भगवान आज जन्म हुआ था तो उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और शिव सेवा समिति के द्वारा ये दूसरा प्रोग्राम है, और हर साल भगवान ने चाहिए तो हम हर साल इससे अच्छा प्रोग्राम करवाएंगे। अगर हमारी समिति ऐसे ही काम करती रहे तो हम चाहते हैं और भी अच्छा अच्छा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो आप देख सकते हैं युवाओं का जोश धूमधाम के साथ श्री देवी मंदिर पर विशाल कार्यक्रम किया जा रहा है, भव्य संकीर्तन हो रहा है। क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? चंचल भैया जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे सत्कार प्रोग्राम में आए। और प्रोग्राम आप देख ही रहे हैं जैसे भी है, हमारी सब शिव समिति के द्वारा जो भी अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और आपके सामने जो चल रहा है, और आप आशा करते हैं और आप सबका सहयोग रखो तो इससे भी अच्छा होगा। कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है और हम चाहे तो हर साल ऐसी रहेगी। जय श्री कृष्ण और जय श्री, और आपके लिए जय श्री महोत्सव पर। ये हमारी शिव सेवा समिति के द्वारा सारे हम भाई हैं, अपने युवा नए युवा हैं हम, उन्होंने कार्यक्रम कराया है, 2 साल से करते हुए आ रहे हैं, और भोले बाबा की मर्जी आगे भी करवाएंगे। देवी मंदिर के बाद जेवर प्रेस की टीम आजाद चौक स्थित शिव मंदिर पर पहुंची, जहां पर भगवान कृष्ण का शानदार स्वरूप देखने को मिला। इसके अलावा मंदिर को शानदार झांकियों से सजाया गया था, जहां पर कुछ बच्चे राधा कृष्ण की वेशभूषा में नाचते गाते नजर आए। मंदिर दर्शन की श्रृंखला में अगला नंबर घोड़ी वाले मंदिर का रहा। जी हाँ, मेन मार्केट में स्थित यह काफी प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर भी भक्तों का तांता लगा रहा। इस मंदिर को फूल मालाओं के साथ बंगले की तरह सजाया गया था, फूल मालाओं का बंगला बनाकर सजाया गया था। राधा कृष्ण की मूर्ति का आकर्षण यहाँ भी देखते ही बना। श्रद्धालुओं का लगातार यहाँ आना लोगों के लिए काफी श्रद्धा का केंद्र बना रहा, जहाँ श्रद्धालुगण बच्चों को टॉफियां बांटते नजर आए। जेवर के सबसे भव्य एवं विशाल प्रांगण श्री दाऊजी मंदिर पर इस अवसर पर विशेष कबड्डी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके अलावा मंदिर को शानदार तरीके से सजाया गया था, भक्तजन मंदिर के बाहर ही कीर्तन भजन करते हुए नजर आए। इसके अलावा मंदिर को गुब्बारों एवं फूल मालाओं के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था, प्रसाद की व्यवस्था रखी गई थी। इसके अलावा कबड्डी का कार्यक्रम इस अवसर पर श्री दाऊजी मंदिर पर विशेष आकर्षण रहा। इसी श्रृंखला में जेवर के मोहल्ला बुंदेलखंड स्थित मंदिर पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जारी है, जिसके चलते संध्या के समय भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा मोहल्ला बुंदेलखंड से लेकर
बाई जी के मंदिर तक कई स्थानों पर भगवान कृष्ण की शानदार झांकियां सजाई गई थी और पंडाल लगाकर भजन संध्या का कार्यक्रम जारी था। बाई जी के मंदिर पर भगवान के दर्शन और गुणगान की महिमा करते हुए श्री राधे बाबा ने लोगों को अपने प्रवचनों से मुक्त किया। इस्कॉन संस्था से संबंधित श्रद्धालुओं ने मोहल्ला कानूनगंज स्थित मंदिर पर भगवान कृष्ण की कथाओं का नाटक रूप में प्रस्तुत कर भगवान की महिमा का गुणगान किया। इस्कॉन टेम्पल्स की ओर से प्रसाद वितरण एवं बुक स्टॉल लगाकर आध्यात्मिक पुस्तकों का प्रचार प्रसार किया गया। अंत में जेवर प्रेस की टीम मेन चौराहे से भगवान जावलेसी के दर्शन करते हुए कोतवाली स्थित मंदिर पहुंची, जहां महेश मिश्रा एंड पार्टी द्वारा भगवान का शानदार गुणगान किया जा रहा था। इस प्रकार जेवर प्रेस की टीम ने जेवर के लगभग सभी मंदिरों का दर्शन किया और आप सभी को इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से दर्शन कराए। आप सभी पर भगवान कृष्ण की अनंत कृपा यूं ही बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।